देखिए, राज्य सरकार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी का इतना खौफ है कि वो जब भी आंदोलन के लिए निकलते हैं तो सरकार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनको रोकने की कोशिश करती है। इससे पहले उनके ऊपर देशद्रोह का एक फर्जी मुकदमा किया गया जिस पर हाईकोर्ट ने किसी भी पीड़ित कार्रवाई करने से रोक लगा दी। इस बार वो किसानों के हित में खेतों पर उतरे तो राज्य सरकार ने घबराकर फिर से एक फर्जी मुकदमा कर दिया। पर राज्य सरकार भूल जाती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य और हमने दशकों से ऐसे फर्जी मुकदमे देखे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ऐसे फर्जी मुकदमों से। हम लोगों ने जो किसानों के हित में आवाज उठाई थी, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चलता रहेगा। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि वो अपनी दमनकारी नीतियों से किसी आंदोलन को और भाजपा के आंदोलन को तो कतई नहीं दबा सकती।